हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे में मोटरसाइकिल और 3 लाख की चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को धर दबोचा। कोतवाली थाना अधिकारी राम प्रताप सिंह ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि सोमवार दोपहर को कोतवाली थाने के आगे से एचटी सेवानिवृत्त कर्मचारी राम सिंह की बाइक और उसमें रखे 3 लाख और कोतवाली थाने के आगे से उड़ा ले गए थे। इस पूरे मामले को कोतवाली थाना पुलिस ने चैलेंज के रूप में लेते हुए 24 घंटे में मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने में 3 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से पुलिस ने इस गैंग के एक आरोपी को धर दबोचने में कामयाबी हाथ लगी है, जिसके पास से मोटरसाइकिल और 90,000 की राशि बरामद की गई है। वहीं शेष 2 अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपी का नाम कैलाश सिंह पुत्र गुमान सिंह जाति राजपूत इंदिरा नगर बाड़मेर के रूप में हुई। उसके 2 अन्य साथी अभी भी फरार है। जैसे कि आपको विदित है, कल दोपहर में राम सिंह नाम के एक व्यक्ति जो बाइक लेके यहाँ मार्केट में आए थे कोतवाली के सामने से दुकानों पे खरीदारी करते समय उनकी बाइक सही जो थैले में रखे हुए 3 लाख रुपए जो उन्होंने बैंक से लाने बताए थे, तो बैग में रखे हुए थे और बाइक सही चोरी होने की घटना सामने आई थी। उसके बाद में उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए टीम गठित की गई थी और मुखबिर मामूर किए गए थे और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में इस घटना को जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता लगा के और जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के निर्देश थे, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने रात्रि में जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर एक संदिग्ध कैलाश को दस्तियाब किया था और उसके बाद में उससे संदेह के आधार पर पूछताछ की गई तो उक्त घटना का खुलासा हुआ और जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने और उसके साथ एक रमेश सिंह जो उसका रिश्तेदार ही वो लड़का और एक अन्य सुरेश नाई करके एक लड़का और ये 3 लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने ये बाइक और जो पैसे चुराए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।